रोहतास में नगर थाना की पुलिस टीम ने रात में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट, अपहरण, चोरी, शराब तस्करी की घटना में शामिल आधा दर्जन अपराधियों को अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। रोहतास SP आशीष भारती ने मीडिया को बताते हुए कहा कि जिले में इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सासाराम नगर थाना प्रभारी कामाख्या नारायण सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने अपराधियों को विभिन्न जगहों से धर दबोच लिया। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में यह गुप्त सूचना मिली थी कि जो कुख्यात अपराधी है सोनू कुमार, उसके द्वारा वो प्रदीप कुमार के घर में उसको छुपा करके रखा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO टाउन के नेतृत्व में एक विशेष टीम, पुलिस टीम के द्वारा जब वहाँ पे छापेमारी की गई तो सोनू कुमार को पाया गया कि वो प्रदीप कुमार के घर में उसको छुपा करके रखा गया है और उसमें वहाँ से सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। सोनू कुमार के अतिरिक्त वहाँ पे पुलिस को जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची थी गिरफ्तारी करने के लिए तो प्रदीप कुमार तथा उनका लड़का विशाल दीप वो पुलिस को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा करके अपराधी को भगाना चाह रहा था तो उसको भी इस मामले में पुलिस को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा जो गिरफ्तार अपराधी है सोनू कुमार उसको पुलिस के अभिरक्षा से भगाने का प्रयास किया गया था परंतु पुलिस के द्वारा तीनों को गिरफ्तार किया गया। उसके अतिरिक्त गुप्त सूचना के आधार पर जो अन्य वांछित अपराधी हैं अमित कुमार उर्फ अमित चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी जो लोग हैं ये कई मामलों में वांछित हैं और कई मामलों में इनकी संलिप्तता रही है। सोनू कुमार पे कुल 5 मामले दर्ज हैं जिसमें सासाराम नगर थाना कांड संख्या 86/19, 800/19, 154/19 और सासाराम दरीगांव थाना कांड संख्या 135/19 और सासाराम नगर थाना कांड संख्या 910/18 इसमें ये 5 मामलों में शामिल रहा है जिसमें मुख्यतः जो अधिकतर मामले हैं वो लूट के हैं, शराब व्यवसाय के हैं और साथ ही साथ चोरी का भी मामला उसमें शामिल है और चोरी का सामान भी उसके साथ बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त जो अभियुक्त मोनू कुमार है और अभिमन्यु कुमार ये 6 कांडों में वांछित है और एक में पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी कई मामलों में वांछित हैं जिन पर रोहतास एवं भोजपुर के अलावा झारखंड राज्य में मामले दर्ज हैं। वहीं SP ने बताया कि इस टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।